कि ये जो राइट टायर है ये व्हाइट पट्टी के ऊपर से जा रहा है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर का पट्टी है, ठीक है। मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया, पीछे भी चेक कर लिया, कोई नहीं है। देखिए ये व्हाइट पट्टी के बराबर मैं गाड़ी को ऐसे, ठीक है, पार्क किया। चलिए ये बाइक निकल गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था तब ये सब वीडियो यूट्यूब फेसबुक का ज़माना नहीं था, तब मैं ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी चलाना सीखा था और उसके बाद घर में पापा जी ने एक ड्राइवर रखा था तो वही मेरे लिए उस्ताद जी हुआ करते थे। तो गाड़ी चलाना तो मैं सीख गया, बट उसके बाद मैंने नोटिस किया मेरा परफेक्ट तरीके से लेफ्ट राइट जजमेंट करने में बहुत तकलीफें हो रहा है। तो क्या कर सकता हूँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई आप मिरर देख के जजमेंट करो, ये कोना देख के जजमेंट करो। तो हर तरह का कोशिश मैंने की थी बट उसके बाद भी मुझे परफेक्ट तरीके से लेफ्ट राइट साइड का जजमेंट नहीं आता था। बट उसके बाद धीरे धीरे मैंने यूट्यूब देखना स्टार्ट किया और मेरा ड्राइविंग को बेहतरीन करने का कोशिश किया, तब मुझे पता चला कि भाई लेफ्ट राइट साइड जजमेंट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है और मैं आपको वो बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से आप परफेक्टली गाड़ी का लेफ्ट राइट जजमेंट कर सकें। तो दोस्तों मैंने देखा था, देखिए ये स्टीयरिंग का 9 o'clock का पोजीशन है। अगर आप एक घड़ी को देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ये 9 o'clock का पोजीशन होता है और घड़ी में ये 3 o'clock का पोजीशन होता है। तो यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करूँगा तो वो जाके ये जो वाइपर ब्लेड का नाकल है यहाँ पे जाके मिलता है, और राइट साइड से यानी कि 3 o'clock से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करूँगा तो वहाँ पर जहाँ पर मैंने एक स्टिकर अटैच किया हूँ वहाँ पर जाके ये मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों ये स्टीयरिंग व्हील का 9 o'clock एंड 3 o'clock ये दोनों पोजीशन के बराबर आपका जो स्ट्रेट लाइन जाता है ना, वो है दोस्तों आपका गाड़ी का लेफ्ट पहिया और राइट पहिया का ट्रैक। बट दोस्तों गाड़ी का बॉडी पहिया से थोड़ा बाहर होता है और बॉडी से भी थोड़ा बाहर होता है गाड़ी का ORVM। तो मैंने देखा था कि डैशबोर्ड का ये जो मिडिल का जो पोजीशन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट के बराबर आपका जो स्ट्रेट लाइन होता है उस स्ट्रेट लाइन से दोस्तों गाड़ी का जो ये मिरर है उस मिरर का बाहर का जो लाइन है वो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक दीवार है और यहाँ पर कुछ बैरिकेड है, तो उस टाइप का सिचुएशन में दोस्तों आप यहाँ से जजमेंट लीजिए, ये जो मिडिल का पॉइंट है जो जहाँ मैं दिखा रहा हूँ। बट अगर आप खाली रास्ते में चल रहे हैं, जैसे अभी ये जो रास्ता है इस रास्ते में देखिए लेफ्ट साइड में एक व्हाइट कलर का पट्टी है, तो इस टाइप का रास्ते से सपोज आप चाहते हैं कि ये व्हाइट कलर का पट्टी के ऊपर आपका गाड़ी का लेफ्ट पहिया रखेंगे, तो इस टाइप का सिचुएशन में दोस्तों ये जो वाइपर ब्लेड का नकल है हर कार में ये दिखता है दोस्तों, ये नकल को देख के आप जजमेंट लगाइए। मैंने थोड़ी लेफ्ट साइड में ये जो स्टिकर है इसको अटैच किया था क्योंकि ये जो स्टिकर है ये मेरा गाड़ी का बॉडी लाइन जो है उस बॉडी लाइन के बराबर चलता है। तो दोस्तों और एक बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए वहाँ पर जो रोड दिख रहा है वो इतना सा छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, और जितना नज़दीक आ रहा है रोड देखिए कितना चौड़ा हो रहा है, ठीक है, ये हमारा एक विजुअल इल्यूशन है। हम जितना दूर का चीज़ देखते हैं हमें देख के लगता है ये उतना छोटा है, और जितना नज़दीक का चीज़ें देखते हैं हमें देख के लगता है वो थोड़ा साइज़ में बड़ी हो गई है। तो ठीक है दोस्तों चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं किस तरह से ये लेफ्ट टायर का पाथ को जज करता हूँ। तो दोस्तों देखिए पहले मैं आपको राइट साइड का जजमेंट दिखाऊंगा, ये जो गाड़ी जा रही है मैं मिरर में चेक कर लिया, उनको जाने देते हैं। और देखिए रोड में ये मिडिल में एक वाइट कलर का पट्टी है, ब्रोकन टाइप का है, तो यहाँ से मैं गाड़ी का राइट टायर का लेके जाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए मैं ये जो वाइट कलर का जो मैंने स्टिकर अटैच किया हूँ उसके ऊपर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी आपको कैसे पता चलेगा, देखिए मैं यहाँ पर मिरर डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, मिरर को मैंने डाउन किया, अभी देखिए यहाँ से मुझे बिल्कुल पता चल रहा है बराबर से, ठीक है, कि ये जो राइट टायर है ये व्हाइट पट्टी के ऊपर से जा रहा है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको मैं किस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर का पट्टी है, ठीक है, मैंने इंडिकेटर ऑन कर दिया, पीछे भी चेक कर लिया, कोई नहीं है। देखिए ये व्हाइट पट्टी के बराबर मैं गाड़ी को ऐसे, ठीक है, पार्क किया एक चांस में। तो मैंने कैसे पता करना है मुझे, देखिए यहाँ पर मैं
देखिए, मिरर को डाउन किया, पीछे का पहिया मुझे दिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं आपको नीचे चल कर दिखाऊँगा मैं किस तरह से इसे अलाइन किया था, ठीक है। तो चलिए, ये बाइक निकल गया है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से यहाँ पर गाड़ी पार्क हो गया है, ठीक है। ये वाइट कलर का पट्टी आप जो देख रहे हैं, ये पट्टी के ऊपर मैंने गाड़ी का टायर को लगाया, तो ये परफेक्ट तरीके से जजमेंट हुआ। तो मैं इस तरह का ही जजमेंट सीखना चाहता था दोस्तों। और यहाँ पर आइए, आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो ये आप जो देख रहे हैं वाइपर ब्लेड का नकल, ये वाइपर ब्लेड का नकल जो आप देख रहे हैं, ये वाइपर ब्लेड का नकल के बराबर ये जो रोड का जो पट्टी है लेफ्ट साइड में, ये वाइट कलर का पट्टी को मैंने रख दिया। और मैं बाहर जाके चेक भी कर लिया कि गाड़ी प्रॉपर तरीके से पार्क हुआ है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैं गाड़ी का लेफ्ट एंड राइट साइड का जजमेंट सीखा। और ये मुझे बहुत जगह पे काम में आता है, जहाँ पर रोड ख़राब होता है वहाँ पर मैं बहुत ही आसानी से पॉटहोल्स को डॉज कर पाता हूँ। और यह बात भी सही है, पॉटहोल डॉज करने के टाइम दोस्तों आप पीछे मिरर में देख लीजिए कि पीछे आपका कोई आ रहा है या नहीं, और उसी के हिसाब से दोस्तों आप पॉटहोल को डॉज कीजिए। और दूसरी बात यह है, आपको बराबर तरीके से पता चलता है आपका लेफ्ट टायर एंड राइट टायर कैसे किधर से जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए।